टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रियान शर्मा। तो आपको बता दूं, आज जो मैं अपनी बाइक की कराने जा रहा हूँ थर्ड सर्विस, तो बाइक मेरी इस टाइम बाहर खड़ी हुई है मेरे घर में अंदर, मतलब आंगन में कहने का मतलब। अब देखते हैं कि तो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी एंड सेकेंड सर्विस कराई थी एंड थर्ड सर्विस, अपनी थर्ड सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या चार्जेस आते हैं, क्या चेंजिंग होती है, क्या सारी चीज़, ऑल दे सारी चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो में मज़ा आने वाला है। सर्विस के बारे में पूरी जानकारी, फुल नॉलेज मिलेगी, क्या क्या वो सर्विस में डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं डाल रहे, वो सारी चीज़ वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपको आगे। और बैक कैमरे से दिखाता हूँ अपनी गाड़ी और मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। ओके, तो निकलते हैं सर्विस के लिए आगे, मिलते हैं आपको अपनी बाइक पे बाहर। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन है, और प्लीज इसको लाइक किया करें। सर्विस कराने के लिए तो मैं अभी रोड पे आ चुका हूँ, हाईवे पर सॉरी। तो इसकी जो शायद आई थिंक तीसरी सर्विस होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसकी वजह से सर्विस नहीं हो पा रही थी। तो अब लॉकडाउन खुला है, एक हाँ शायद एक या दो है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सर्विस कराई जाए, कहीं ऐसा ना हो फिर लॉकडाउन लग जाए तो उसकी वजह से सर्विस ना हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा, मैंने बात की जैसे खुला, मैंने कि सर्विस इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो कुछ कराएंगे वो जबकि जब देखी जाएगी। तो कितना क्या खर्चा आता है सर्विस में, इसी सर्विस है। मैंने सोचा कि इसमें मैं अपना ऑयल है जो ऑयल चेंज करा दूँ, बट लेकिन उसका जो सेंटर स्टैंड है मेरी बाइक का हीरो एक्स प्लस का, और प्लस एक जो लेडीज़ फुटरेस्ट है उसके बारे में भी मतलब मैं बातें करनी है मुझे, शायद उन पर मे भी मिल जाए तो सही है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं हाथों सिटी में एंट्री कर चुका हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। और पता हूँ हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है, हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है 7 से 7 है, 7 बजे के बाद क्लोज होगा, मॉर्निंग 7 ओपन और इवनिंग 7 क्लोज, ये सिस्टम हो गया है। तो शहर हैं आपको दिल्ली विल्ली है, वहाँ शायद आई थिंक अभी लॉकडाउन लग रहा है 7 तारीख तक, मतलब 7 जून तक है 7 तारीख। तो अपने यहाँ खोल दिया है लॉकडाउन, तो इसलिए हमने सोचा लॉकडाउन खुल चुका है और तो मतलब हमारी जो एजेंसी है वो ओपन हो चुकी है, तो क्यों ना गाड़ी की सर्विस करा ली जाए, क्योंकि तो गाड़ी काफ़ी घूम चुकी थी इसलिए सर्विस कराना ज़रूरी था। मैंने सोचा पहले जाके सर्विस ही करा लें, जिससे कि बाद में अगर लॉकडाउन लगता भी है तो अपनी एक गाड़ी की सर्विस है ना एक नंबर होती, गाड़ी रखती, कहीं जाना पड़े तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस यही है। और मैंने अभी काफ़ी दिन बाद अपनी बाइक निकाली है, राइड कर रहा हूँ, तो देखो गंदगी फैला रहा रोड पर, कहते हैं मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी लॉन्ग टाइम एक्चुअली आपको मैं बता दूं, मेरी बाइक काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो मैं अभी आपको इसको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ, इसमें मेरी कहाँ कहाँ बाइक गंदी हो रखी है और कहाँ कहाँ मेरी बाइक गंदी नहीं हो रखी, क्योंकि मैं इसकी जो थर्ड सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे धुलाई वुलाई सब चीज़ होगी। आप देख सकते हैं सामने, आपको बता दूं हीरो वालों का ये काम बहुत अच्छा है, पहले बाइक को सैनिटाइज करते हैं लॉकडाउन में, उसके बाद सर्विस बाइक को सर्विस के लिए अंदर लेके जाते हैं। बट अभी क्या है, जो हमारी गाड़ी है वो क्लीन हो रही है, धुल रही है प्रॉपर पूरे तरीके से। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरी गाड़ी है एक्सपल्स की, अगर धुली नहीं होती ना थोड़ा हल्की गंदी गंदी होती तो और अच्छी लगती है, बट लेकिन क्या है कि जब हम सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो बाइक को क्लीन और क्लीन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सर्विस में कोई दिक्कत ना हो। अभी गाड़ी को शैम्पू किया जा रहा है, बट लेकिन मैंने पिछली जो वीडियो में गाड़ी को क्या नाम है सर्विस कराया था, तो उसमें क्या था स्प्रे गन थी बहुत, मतलब शैम्पू करने की उससे किया था, बट लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। अभी गाड़ी को एयर गन की सहायता से जो पानी लगा हुआ है उसे सुखाया जा रहा है जगह जगह से, क्योंकि ये गाड़ी आगे सर्विस के लिए जाएगी नेक्स्ट।
और फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस हो गई है स्टार्ट। मैं बता दूँ सबसे पहले इसका जो नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है सेफ्टी के लिए वो खोला जा रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी आपको बता दूँ जो अभी मेरी गाड़ी का जो निकल रहा है वो निकाल रहा है इंजन ऑयल, और इंजन ऑयल इस तरीके से निकलता है, नीचे एक जो नट होता है ना उसे खोला जाता है, खोलने के बाद नीचे एक मग लगाया जाता है, तो मग में उसका जो इंजन ऑयल है वो आ जाता है प्रॉपर तरीके से पूरे तरीके से अंदर की साइड। अभी जो की जा रही है वो की जा रही है मेरी गाड़ी की गद्दी मतलब सीट रिमूव, उसमें से कुछ इसके पेस्ट निकलेंगे, क्योंकि इसमें आगे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा हमारे जो फिल्टर होता है गाड़ी को फिल्टर को साफ करने का, तो उन्होंने अभी वो पेज खोल रहे हैं। इसमें ऑयल बता रहे थे कोई इंजन ऑयल भी पड़ेगा इसमें 150 रुपये बता रहे थे सर, पिछली बार नहीं डाला था उन्होंने पहली बार 30 रुपये 5 रुपये। अभी आपको बता दूँ अभी जो साफ़ हो रहा है वो साफ़ हो रहा है मेरा गाड़ी का फिल्टर। फिल्टर में एक्चुअली क्या होता है हम जब चलते हैं तो इसमें क्या डस्ट वगैरह और प्लस थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए इसे फ़िल्टर को साफ़ किया जाता है, और काफ़ी टाइम बाद अगर ये फ़िल्टर ख़राब भी हो जाता है तो फ़िल्टर को मतलब चेंज भी किया जाता है, नया फ़िल्टर डाला जाता है। तो उन्होंने फ़िल्टर को क्लीन किया, उसके बाद फ़िल्टर के अंदर जो हमारी जो एयर लेता है जो उस चीज़ को क्लीन की, क्लीन करने के बाद उसमें फ़िल्टर दोबारा से ऐसे के ऐसे ही लगा दिया। अभी जो मेरी गाड़ी का खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है स्पार्क प्लग को लेके जाएंगे क्लीन करने के लिए, और प्लस ये क्लीन करने के लिए लेके गए। और मैं आपको बता दूँ इससे ये भी पता चलता है कि आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, एवरेज अच्छा दे रही है या नहीं दे रही। अभी जो स्पार्क प्लग को एयरगन की सहायता से साफ किया जा रहा है, और प्लस साफ करने के बाद इसको अंदर लगा देते हैं, लगाने के बाद इसे थोड़ा कस देते हैं। मुझे तो लगता नहीं आएगा, टकराएगा बिल्कुल नहीं टकराएगा, देख लेना फर्स्ट टाइम खुल लेना। अभी आप देख सकते हैं टायर को खोला जा रहा है, टायर को इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि इस गाड़ी में मैं एक नई चीज लगवा रहा हूँ, उसे बोलते हैं मड गार्ड। मड गार्ड इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऊपर डस्ट या मिट्टी या कीचड़ आती है जो गाड़ी के ऊपर वाले मड गार्ड पर, तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैं नीचे एक छोटा सा मड गार्ड लगवा रहा हूँ, लुक वाइज के लिए भी लगवा रहा हूँ, बट लेकिन देखते हैं कैसा लगता है लगवाने के बाद। वीडियो में आप देख रहे होंगे पहले टायर का जो नट था जो खोल लिए हैं, और प्लस उसका जो बार टाइप की जो लगी थी उस पर वो भी निकाल लिया है, तो उसमें क्या है जो मड गार्ड के जो क्लंप हैं उन्हें लगाएंगे, उसे लगाने के बाद आगे इसमें मड गार्ड के लिए उसे पूरा सेट करेंगे दोनों तरफ से, इस तरह को सेट करने के बाद इसमें मड गार्ड को फिर लगाया जाएगा। तो मैंने इसलिए मैंने कि थोड़ा लगवा लूँ क्यों ना कि थोड़ा डस्ट वगैरह जो मिट्टी वगैरह जो आती है ना उसको थोड़ा सेफ्टी मिलेगी ऊपर वाले मड गार्ड को, बट लेकिन मुझे ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा तो मड गार्ड तो मैंने फिर भी लगवा लिया क्योंकि इसे ऐसे ही मन कर रहा था थोड़ा बस शो बनाने के लिए, बट लेकिन इतना शो नहीं आ रहा है कि जितना आना। अभी गाड़ी की जो ब्रेक वगैरह वो टाइट हो रही है, आगे की एंड पीछे की टायर को सेट किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, कहीं टायर डिसबैलेंस तो नहीं है, टायर को प्रॉपर फोकस किया जा। फाइनली जो मेरी गाड़ी का मड गार्ड है वो लग चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट लेकिन सही है, एवरेज है, इतना भी नहीं है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, और इसके पेज कैसे जा रहे हैं। अच्छा अंदर से भी हम ये पूरी सेफ्टी है, फुल सेफ्टी है, चलो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम अगर खोलते हैं एक्सट्रीम के लिए आए थे।
और ये एक्सेल सब में लग जाते हैं। हाँ वो तो है, ऊपर जी एक्सेल की एक्सेल भी देते हैं, मुझे पता लग जाता है कि सेम जगह है। हाँ वो नॉलेज होती है ना सभी तो। और इसमें उसका बोलते हैं जिसको नॉलेज होगी वही बता सकता है, एक चीज लगेगी यहाँ पे। नहीं स्टैंड भी लग जाएगा इसमें आराम से। हैं हाँ अलग से दबने पे सौगर दबने पे कुछ नहीं, अरे सौगर के साथ ही जाएगा, सौगर जाएगा नीचे। अच्छा बड़ा सा लग रहा है कुछ है, हीरो अपना ही ऑयल यूज करता है, हीरो अपना ही ऑयल यूज करता है। इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा वैसे देखा जाए तो? अभी जो मेरी गाड़ी में डाला जा रहा है वो डाला जा रहा है इंजन ऑयल। इसमें एक छोटा सा और एक ऑयल मिक्स किया गया है क्योंकि इंजन को थोड़ा स्मूथ तरीके से काम कराए और प्लस कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी गाड़ी में फाइनली इंजन ऑयल डल चुका है, आगे मिलते हैं आपको। चैन पे भी ढंग से पड़ पाएगा, जब टायर चलेगा तभी ढंग से पड़ता हुआ ना, क्या पड़ जाता है। खोल के मारने से सही रहता है ना चीज को, गाड़ी ये खड़ी हुई है। मैं अभी इस टाइम आउटर में हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ मैंने इसमें आज सर्विस में क्या क्या चीज़ कराई है, क्या क्या चीज़ है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें डिटेल में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें जो मैंने एक मडगार्डर के ऊपर जो गार्ड टायर के ऊपर जो गार्ड होता है सेफ्टी के लिए, जैसे कीचड़ वगैरह आती है ऊपर जो सारी चीज़ आती है वो भी लगवाया मैंने। वो आई थिंक मैं आपको उसके प्राइस भी बताऊँगा मुझे कितने का पड़ा शोरूम से। वो ऑयल यूज़ हुए हैं, एक तो आपका जो ऑयल होता है मेमी ऑयल होता है वो है, एक छोटी सी लुब्रिकेंट टाइप का ऑयल था वो भी था, वो भी इसमें डला है उसमें मिक्स करके दोनों चीज़। वो ये बता रहे सर्विस में ये फर्स्ट सर्विस थर्ड सर्विस एंड पांचवी सर्विस, इन तीन सर्विस पे वो डलता है।
ये सारी चीज़ें और गाड़ी को वॉश किया, और सारी चीज़ जो गाड़ी में और क्या कमी थी, जैसे ब्रेक हो गई आपकी, ब्रेक टाइट एंड लूज, और गियर वगैरह आपके, और चैन वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ गाड़ी को, इसमें क्या क्या चीज़ हुई है। आप ये देख रहे होंगे, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसमें इसका जो ब्रेक है वो सारी चीज़ टाइट एंड जो लूज़ हो जाती हैं चलते चलते, वो टाइट हुई हैं। और प्लस सेकंड चीज़, इसमें आपकी जो ग्रीसिंग है ना, ऑयलिंग, वो चीज़ इनमें स्प्रे हुआ है, ग्रीसिंग हुई है, वो उनके पास लुब्रिकेंट होता है उस चीज़ का। और इसमें मैंने चेक कराया था जो ब्रेक ऑयल होता है, जो क्या नाम के जो डिस्क ब्रेक है उनका ऑयल चेक कराया था मैंने, शायद इनमें है या नहीं है, उन्होंने वो खोल खोल के चेक किए थे। और जो मैं आपको बता रहा था मैंने इसमें क्या चीज़ डलवाई है, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने आपको, ये आप देख रहे होंगे, ये गाड़ी में नहीं आता ये चीज़ है ना, ये गाड़ी में नहीं आती। तो मैंने इसे गाड़ी में लगवाया है इस तरीके से, यहाँ से इसे कनेक्ट करवा के पूरा तरीके से, इसका वीडियो मैंने इसी में बनाया हुआ है। तो वो ये इसलिए है, गाड़ी में थोड़ा लुक अच्छा आए। और जो टायर है ना, जो टायर की जो गंदगी है वो पीछे बैक ऊपर इसी पे ही रुक जाए, इसलिए मैंने इसे डलवाया है। और हाँ, अगर कहीं हम ऑफ रोडिंग वगैरह कुछ करते हैं तो इसे हम निकाल के भी रख सकते हैं, यहाँ से इसे स्क्रू हैं ये खुल जाते हैं, इसे आप निकाल सकते हो। मैंने सोचा है फ्यूचर में आगे कभी मैं इसमें मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो इसका जो ये चीज़ है ना, ये गार्ड मर्स को निकलवाऊंगा यहाँ से, और इसको इतना रहने दूंगा छोटा सा। आजकल जो चल रहा है और भी आपने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा, वो सारी चीज़ें इसमें करवाऊंगा मैं आगे चल के। और इसकी धुलाई वुलाई हुई है गाड़ी की, वॉशिंग हुई है, और प्लस जो ट्रिम मीटर वो जीरो हुआ है, और सब जगह लुब्रिकेंट वगैरह, चेन वगैरह सब जगह लुब्रिकेंट वगैरह वो सारी चीज़ हुई है। और आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का लुक पीछे से कुछ इस टाइप का आ रहा है इसे लगवाने के बाद, जो मडगाटर इसे लगाने के बाद। तो शायद मुझे लग रहा है मे बी अच्छा ही लग रहा है, पर लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गाड़ी पीछे से भरी हुई भरी सी, ऐसा क्या चीज़ लगवा दिया। कोई नहीं, हम इसे अगर हमें कहीं अगर हमें पसंद नहीं आता तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ इस जगह से, तो कोई नहीं अच्छा है। और मैं इसकी बता दूँ कॉस्ट, मुझे इसका ये कॉस्ट पड़ा था, मैंने ये शोरूम से ही पड़वाया था, एजेंसी से पड़वाया था, ये मुझे 450 रुपये का पड़ा था। और इसमें जो इंजन ऑयल पड़ा है वो 385 या 395 रुपये का वो ऑयल पड़ा था हीरो वाला। और प्लस एक इसमें लुब्रिकेंट ऑयल है, सॉरी लुब्रिकेंट नहीं, सॉरी कुछ ऑयल था एक और भी, शायद मोमियल था, एक छोटी सी डिब्बी में था, उसका मैं वीडियो बनाया है, उसमें वीडियो में हुआ पीछे आप देख सकते हैं, लुब्रिकेंट तो नहीं बोलते थे और कुछ बोलते हैं। तो वो एक ऑयल है वो 170 रुपीज़, 170 रुपये की थी वो इसमें डली है। और प्लस आपका इसमें नाइट्रोजन वगैरह भरी जाती है वो इसकी सारी चीज़ डली हुई है। और प्लस इसमें लुब्रिकेंट किया जाता है चैन वगैरह को, उसका भी चार्ज उन्होंने लिया है। तो टोटल मिला के मेरा जो अब की जो थर्ड सर्विस पर मेरा जो खर्चा हुआ है वो मेरा खर्चा हुआ है 1110 रुपये का, मतलब 1110 रुपये का मेरा टोटल खर्चा हुआ है अब के सर्विस पर। बट लेकिन अब के थोड़ा लॉकडाउन भी था तो थोड़ा काम थोड़ा ऐसे ही हुआ, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि लोग बाग सर्विस कराने के लिए आए, तो थोड़ा जल्दी वल्दी में थोड़ा ऐसे ही कर दिया आपके सर्विस। मैं आपके रिक्वेस्ट करूँगा, कोई नहीं होता है, जब भीड़ होती है तो स्टाफ थोड़ा जल्दी काम करता है तो इसलिए कोई नहीं चलता है। बट लेकिन मैं आपको बता दूँ, सर्विस गाड़ी की करानी थी, गाड़ी की सर्विस कराना नेसेसरी है, गाड़ी का आपको कहना माइलेज अच्छा चाहिए तो सर्विस बनती है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी ये बाइक की थर्ड सर्विस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी सर्विस हो चुकी है मेरी बाइक की, थर्ड सर्विस हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो के सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए।